So, Pantry Bank, Part of Speech, Tag Set. इसको डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज के लिए, नेचुरल लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बिल्ड करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगर, इसका क्या काम होगा कि ये एज एन इनपुट एक सेंटेंस ले और उसके साथ पार्ट ऑफ स्पीच असाइन कर दे। तो उसके लिए पहला स्टेप है कि आप टैग सेट्स डिफाइन करें, पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट्स। पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट्स का मतलब ये है कि आप पहले डिफाइन करते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में किन किन वर्ड्स को क्या क्या पॉसिबल पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स असाइन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट। देन हम क्या करते हैं, जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट्स डिफाइन कर लिए पहले स्टेप में, सो डिफाइन POS टैग सेट, फिर उसके बाद हम अपना ट्रेनिंग डेटा प्रिपेयर करते हैं और देन हम उसकी बेस पे मॉडल बिल्ड करते हैं और उसको एवेल्यूएट करते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेंट्री बैंक पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट। पेंट्री बैंक वालों ने इंग्लिश के लिए पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट डिफाइन किया हुआ है, उसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं। अब आप देखेंगे कि जो आप हाई स्कूल में पढ़ते थे पार्ट ऑफ स्पीच, उनका काउंट काफ़ी कम था, जबकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिफाइन किए हुए। CC स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग और कंजंक्शंस। यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन कर रही है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये उसका एब्रीवेशन है टैग्स, किसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे उन पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स की एग्जांपल्स हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट में नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, तो इनको जो पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन किया जाएगा दैट इज़ कार्डिनल, इसको हम CD कह रहे हैं। ये तो दोबारा के मोटिवेशन के कि हमारे पास टेक्स्ट है और हम हर वर्ड को कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच असाइन कर सकते हैं, जब हम वो डिफाइन कह रहे हैं। DT अगर आपके पास टेक्स्ट में AD आता है तो उसको हम डिटर्मिनर कहेंगे। एग्जिस्टेंशियल अगर वहाँ पे देयर वर्ड आ रहा है तो हम उसको एक्सटेंशियल कह रहे हैं और उसको हम EX से रिप्रेजेंट कह रहे हैं। देन अगर आपके पास किसी लैंग्वेज में कोई फॉरेन वर्ड आ जाता है, जिस तरह उर्दू में हमारे पास बहुत ऐसे वर्ड्स आ रहे होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के, तो उनको कैसे टैग असाइन किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास FW का की वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड फॉरन वर्ड। जो भी हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं उन अगर वो आ रही होंगी तो उनको हम टैग करेंगे इन से। एडजेक्टिव्स जो हमारे पास हैं उनको हम JJ से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर हमारे पास एडजेक्टिव्स की जो सुप कंपेरेटिव फॉर्म है उसको हम JJR से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और सुपरलेटिव फॉर्म को हम JJS से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिसको हम फॉर एग्जांपल बिगर है या बिगेस्ट है तो वो बिगेस्ट हमारे पास JJS आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिस्ट नंबर्स टेक्स्ट में आ रहे हैं तो उनको हम LS से रिप्रेजेंट कर देंगे। मॉडल्स आ रहे हैं कैन, शुड, उसको हम MD से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नाउन अगर आ रहा है सिंगल तो वो N से रिप्रेजेंट करें। नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में आ रहा है उसको हम NS से रिप्रेजेंट करें। और अगर मेरे पास प्रॉपर नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन, उसको हम NNP से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास प्रॉपर नाउन प्लूरल्स आ रहे हैं तो उनको हम NNPS से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सिमिलरली PDT फॉर दिस वन होगा। इसी तरीके से पोजेसिव एंडिंग है पोस्ट्रफी एस को हम POS से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। प्रोनाउन जितने भी होंगे उनको PRP से, सो पोजेसिव प्रोनाउन जो हमारे पास होंगे उनको यूर, वंस, जो एडवर्ब्स हैं जिस तरह क्विकली, उसको RB से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास एडवर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं जिस तरह फास्टर है, तो यहाँ पे